हेलो दोस्तों, मैं यहाँ पे खाना बनाने के बाद किचन क्लीनिंग कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना गैस साफ करूँगी और मैं यहाँ पे लास्ट में खाना बनाने के बाद, क्योंकि बहुत गंदा हो जाता है किचन, इसलिए मैं सर्फ दे के साफ करती हूँ, पानी से इसे धो देती हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद से मैंने काउंटर धोना शुरू किया, सबको मैं सर्फ लगा लगा के धोऊंगी ताकि इससे एकदम किचन क्लीन हो जाता है। जो भी गिरे हुए सामान होते हैं, आटा वगैरह, सब साफ़ हो जाते हैं, बढ़िया से क्लीन हो जाते हैं। यहाँ पे सब मैंने साफ़ कर दिया हुआ है। फिर चूल्हा मैंने वहीं पे रख दिया, बाकी के भी इधर भी मैं वैसे ही साफ़ करूँगी। उसके बाद से मुझे बर्तन साफ़ करना है। मेरा बाबू अभी सोया हुआ है, इसलिए मैं फटाफट सभी काम कर लेती हूँ। बर्तन क्लीन करने के बाद और किचन साफ़ होने के बाद फिर मैं और भी काम करूँगी। यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, सभी बर्तन मैं अभी साफ़ कर लूँगी। मेरे हस्बैंड अभी ऑफिस चले गए हुए हैं, इसलिए बाकी सब काम मैं आराम से करती हूँ। बाबू सो जाता है, फिर मैं सभी काम आराम से कर लेती हूँ। ये ऊपर मेरा बर्तन स्टैंड है, अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना दोस्तों, क्योंकि मैंने अभी नया नया ही ब्लॉग शुरू किया सीखा है और किया है। अगर आप लोग चाहो तो मैं बहुत आगे बढ़ सकती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, कमेंट करना दोस्तों, ताकि मुझे लगे कि मैं भी कुछ अच्छा कर सकूँ। मैं आप लोग के सामने ही कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। मुझे लगा मैं घर में बैठे बैठे क्या करूँगी, बोर होती रहती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग शुरू कर दूँ। इसलिए यहाँ पे मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अभी न्यू टाइम है, न्यू शुरू शुरू में थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसे सीखने में, इसीलिए मैं भी समझो सीख ही रही हूँ। यहाँ पे सारे बर्तन मैंने क्लीन कर दिए हैं। उसके बाद से फिर मैं यहाँ पे नीचे फर्श भी साफ़ कर लूँगी, वाइपर से नीचे भी पानी दे के मैं साफ़ कर देती हूँ ताकि किचन एकदम क्लीन रहे। देखिए मैं यहाँ पे नीचे वाइपर चला रही हूँ ताकि, हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको कटहल की सब्ज़ी बनाना सिखा रही हूँ। सबसे मैंने यहाँ पहले यहाँ पे कटहल काट लिया और उसे सबसे पहले मैंने फ्राई कर लिया है, क्योंकि यहाँ फ्राई होने के बाद मैंने इसे निकाल दिया है। और अच्छे तरह से जब लाल हो जाए तो उसे निकाल दीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे बचे हुए तेल में जीरा का फ़ौरन, और मतलब डाइट में कट गया था तो यहाँ पे मैंने हाथ से पीसा हुआ है प्याज। फिर उसके बाद मैंने प्याज यहाँ पे भून लिया है, रेड होने तक उसे भूनना है। उसके बाद से फिर मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिया हुआ है। टमाटर डालने के बाद मैं इसमें नमक हल्दी डाल दूँगी ताकि ये गलता रहे आराम से धीरे धीरे। उसके बाद से फिर मैं मसाला डालूँगी। मसाला में वही है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काला मिर्च, मिर्चा, लहसुन, यही सब हुआ है। उसके बाद से पहले ये मसालों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, ढक ढक के इसे मैंने भूंजा हुआ है। फिर इसमें मैंने कटहल डाल दिया हुआ है। कटहल डाल के भी मतलब 10 मिनट तक आपको इसे धीमी आंच में भूनना है। उसके बाद से मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है। गरम मसाला डालने के बाद इस पर मैं फिर अच्छी तरह से भूंजूंगी और उसके बाद से फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी। अभी मैं यहाँ पे मसाला ही भून रही हूँ। उसके बाद से यहाँ पे मैं देखिए गरम मसाला डाल रही हूँ। गरम मसाला डालने पर भी मैं अच्छी तरह से इसे भूनूंगी। उसके बाद से इसे फिर पानी डाल देना है, जितने भी मतलब आप देख सकेंगे जब तक ये पूरी तरह से पक नहीं जाए। सबसे पहले आँच तेज कर ले, उसके बाद जब ये खोलने लगे तो इसे धीमी आँच पर पकाएं। बहुत ही सुंदर कटहल की सब्ज़ी बनेगी। आप एक बार इस तरीके से बना के